नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिना जेल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, डर्मिना जेल को कैसे लगाना चाहिए और डर्मिना जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि डर्मिना जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डर्मिना जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। डर्मिना जेल का उपयोग मुख्य रूप से एक्ने यानी चेहरे पर मुहासों की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। डर्मिना जेल के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। डर्मिना जेल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड होता है। क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो पिंपल्स और मुहासों के लिए जिम्मेवार बैक्टीरिया को मारती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है। निकोटिनामाइड पिंपल्स और मुहासों की वजह से हुई त्वचा की सूजन और रेडनेस को कम करता है। इसके अलावा डर्मिना जेल चेहरे पर ऑयल के ज्यादा प्रोडक्शन को रोकती है, क्योंकि ज्यादा ऑयली त्वचा होने पर मुहासे व पिंपल्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। डर्मिना जेल मुहासों व पिंपल्स की वजह से हुए चेहरे पर दाग धब्बों को कम करके रंग को साफ करने में भी मदद करती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिना जेल को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। डर्मिना जेल को लगाने से पहले आपको अपने चेहरे व हाथों को पानी की मदद से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए और उसके बाद चेहरे व हाथों को अच्छी तरह सुखाने के बाद डर्मिना जेल की एक पतली लेयर प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगानी चाहिए। डर्मिना जेल को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर डर्मिना जेल को दिन में दो बार सुबह व शाम को लगाने की सलाह देते हैं। डर्मिना जेल का असर दिखने में दो से लेकर तीन सप्ताह का समय लग सकता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में इससे ज्यादा समय भी लग सकता है। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों में डर्मिना जेल का असर दो से लेकर तीन सप्ताह में दिखने लग जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिना जेल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डर्मिना जेल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डर्मिना जेल की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे त्वचा में जलन, खुजली, त्वचा में सूखापन और त्वचा की एक पतली लेयर पपड़ी बनकर उतर सकती है। इन साइड इफेक्ट्स को दिन में मॉइस्चराइजिंग क्रीम या वैसलीन लगाकर कम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको डर्मिना जेल को लगाने के बाद त्वचा में जलन या त्वचा में खुजली ज्यादा होती है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि डर्मिना जेल को लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में डर्मिना जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। जब तक आप डर्मिना जेल को लगा रहे हैं, तब तक आपको दिन के समय में सूरज की धूप में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि डर्मिना जेल की वजह से त्वचा धूप के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और जिसकी वजह से सनबर्न होने का रिस्क अधिक हो जाता है। अगर आपको किसी कारणवश धूप में जाना भी पड़ता है, तो आपको सूरज की धूप में जाने से पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लोशन को लगाना चाहिए, या आप धूप से बचाव करने के लिए अम्ब्रेला यानी छत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं। डर्मिना जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डर्मिना जेल को आंख, नाक और मुंह के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए। डर्मिना जेल को किसी घाव के ऊपर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर डर्मिना जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए डर्मिना जेल को घाव के ऊपर या घाव के आसपास नहीं लगाना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए डर्मिना जेल का उपयोग करना रिकमेंडेड नहीं है, इसलिए 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डर्मिना जेल को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लगाना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं डर्मिना जेल को लगा सकती है या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए डर्मिना जेल को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, और जो महिलाएं स्तनपान करा रही है उनको भी डर्मिना जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि अभी इसके बारे में पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि डर्मिना जेल माँ के दूध में निकलती है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डर्मिना जेल को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और
और स्तनपान करा रही महिलाओं को दर्मीना जेल को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका दर्मीना जेल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।